सवाल नंबर एक, 786 का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर दो, 7 नंबर आखिर इतना खास क्यों है? सवाल नंबर तीन, 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? सवाल नंबर चार, 11, 21, 51, 101 शगुन क्यों दिया जाता है? सवाल नंबर पाँच, 420 का मतलब क्या होता है? सवाल नंबर छह, 333 का मतलब क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से। सवाल नंबर एक, 786 का मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म में 786 को एक शुभ अंक के रूप में माना जाता है, पर इस अंक को शुभ सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी शुभ मानते आ रहे हैं। जैसे कि जब भी हिंदू अपने किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म में 786 का स्मरण किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म में 786 का अर्थ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पर कुछ हिंदू 786 के अंक को ओम भी मानते हैं। वैसे एशिया के मुस्लिम के लिए 786 अंक को बेहद ही पवित्र माना जाता है। 786 का अर्थ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है, वही कुछ लोग इसे भाग्यशाली संख्या के रूप में भी मानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 786 नंबर का मतलब क्या होता है। सवाल नंबर दो, आखिर 7 नंबर इतना खास क्यों है? आखिर हमारे सप्ताह के दिन 7, अजूबे 7, जन्म 7, सुर 7, समुद्र 7, इंद्रधनुष में 7 रंग और विवाह के समय 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में एक ही शक्ल के 7 व्यक्ति भी पाए जाते हैं। ऐसे में यदि इस बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस सवाल के जवाब में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नंबर 7 बार बार नजर आए तो इसका मतलब आपके साथ कोई देवी शक्ति साथ में है। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र अंक 786 की शुरुआत 7 से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि यह अंक किसी को भी करोड़पति बना सकता है। सिर्फ हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी इस अंक का खास महत्व है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस अंक का जिक्र किया गया है। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने पूरी दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन आराम करने का स्वीकार किया। तो आपने सुना होगा कि शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमारे अंदर छुपी शक्तियों के जगाने के काम आते हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तब जाकर ये चक्र जागृत होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 7 नंबर इतना खास क्यों है। सवाल नंबर 3, 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? आप बचपन से शायद ये बात सुनते आए होंगे कि अंकों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। दुनिया भर में इसे दुर्भाग्यपूर्ण संख्या के तौर पर देखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग इस संख्या इस्तेमाल करने से डरते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 नंबर को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया वो उनके साथ 13 नंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर रहा था। माना जाता है कि तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। 13 नंबर का डर इस हद तक बढ़ गया कि जिसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकेंगे जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। 13 नंबर का डर यह न सिर्फ पश्चिमी देशों पर बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। आपको यह बात शायद मालूम हो कि सपनों के शहर कहे जाने वाले चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपनों का शहर हुआ करता था, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस सुनियोजित शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनवाया, वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। 13 नंबर के अशुभ होने को लेकर कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सवाल नंबर 4, 11, 21, 51, 101 शगुन क्यों दिया जाता है? भारतीय संस्कृति में उपहार की राशि 1 रुपया जोड़ देने की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में कोई धनराशि उपहार या दान करता है या किसी मांगलिक अवसर पर कुछ भेंट करता है तो परंपरा के रूप में यह राशि 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इस परंपरा के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि किसी राशि में 1 रुपया जोड़ देने वाला व्यक्ति इस प्रकार से यह घोषणा करता है कि उसके लिए 1 रुपया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की शेष राशि, इसलिए इस राशि के प्रत्येक अंश का सदुपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस 1 रुपये से बाकी धनराशि का महत्व बढ़ जाता है। यह एक हकीकत है कि मात्र 1 रुपये के अभाव में
भेंट की सारी राशि श्रीहीन लगती है। इस परंपरा का दूसरा अर्थ है कि इसमें एक रुपया भेंट करदा की श्रद्धा का प्रतीक है और शेष राशि उसकी सामर्थ्य का द्योतक है। विभिन्न व्यक्तियों की सामर्थ्य उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, परंतु सबकी श्रद्धा बराबर होती है। इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखते हुए हमें दान या भेंट की राशि एक जोड़ने की परंपरा का पालन भेंटकर्ता और स्वीकर्ता दोनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सवाल नंबर 5, 420 का मतलब क्या होता है? 420 नंबर के बदनाम होने की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ छात्रों का समूह सैन राफेल में रहते हुए नशाखोरी में लिप्त था। ये छात्र हर दिन शाम 4:20 पर मिलते थे। छात्रों की ये मुलाकात लुईस पाचर्स की बड़ी सी प्रतिमा के नीचे होती थी, जहाँ ये छात्र सामूहिक रूप से फ्री में गांजे और चरस का सेवन करते थे। यहीं से छात्रों का ये गैंग लुईस 420 नाम के कोड नाम से मशहूर हुआ और फिर धीरे धीरे इस ग्रुप के सभी लोगों को 420 कहा जाने लगा। इसमें से कुछ लड़के तमाम ठगी के आरोप में पकड़े गए और फिर धीरे धीरे 420 नंबर ठगों की पहचान बन गया। साथ ही नशेखोरी खासकर गांजे और चरस का सेवन करने वालों के लिए भी। हिंदुस्तान समेत दुनिया के बड़े हिस्से में गांजे और चरस का सेवन करने वाले लोग हैं, पर 420 शब्द अब नशाखोरी से आगे बढ़ चुका है। मौजूद समय में किसी भी फ्रॉड को बुलाना है तो 420 कहना ही काफी हो चला है। अब तो 420 होना कई लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की तरह है। 420 का मतलब अब बेहद सातिर और तेज होना भी हो गया है। सवाल नंबर 6, 333 का मतलब क्या होता है? एंजल नंबर 333 सहायता और प्रोत्साहन का प्रतीक है। जब यह परिसंख्या 333 की बात आती है तो स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि आप शक्ति और ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आपको वास्तव में इससे आचार चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर से ही है और आपने अभी इसे महसूस नहीं किया है। आप अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत